हरे कृष्णा। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर पढ़ रहे थे, कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे आखिरी? सिंकिंग फंड वाला ना, एग्जिस्ट करता है। चलो एक बार रिवाइज करा देता हूं जो पढ़ाया था। थोड़ा सा परचेज ऑफ डिबेंचर इन ओपन मार्केट में पढ़ा रहा था ना, जिसमें दो बातें थी, या तो इमीडिएट कैंसिलेशन होगा या फिर आप उसको खरीद के एज अ इन्वेस्टमेंट के तौर पे रख सकते हैं। अच्छा, इमीडिएट कैंसिलेशन के अंदर दो चीजें हम लोग को पढ़नी थी। एक ये पढ़ना था कि अगर सिंकिंग फंड एग्जिस्ट नहीं करता तो क्या होगा, और एक था सिंकिंग फंड एग्जिस्ट करता है तो क्या होगा। कौन सा पढ़ लिया था हम लोग ने? सिंकिंग फंड एग्जिस्ट नहीं करता तो हम लोग ने जनरल एंट्री सीखी थी, और मैंने आपको ना ऐसे भी चार्ट भी एक बनाया था। कहां गया वाला चार्ट? ये वाला, जिसमें मैंने आपको कहा था कि भाई अगर सिंकिंग फंड एग्जिस्ट नहीं करता, यानी आप ओपन मार्केट से खरीद रहे हैं, इमीडिएट कैंसिल कर रहे हैं, और सिंकिंग फंड एग्जिस्ट नहीं करता तो तीन सिचुएशन है। पहली सिचुएशन है नो प्रॉफिट नो लॉस की, यानी आपने 100 रुपीज की फेस वैल्यू वाला डिबेंचर मार्केट से 100 का ही खरीदा, ना कंपनी का प्रॉफिट है ना लॉस है। तो बड़ी सिंपल सी एंट्री, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक 100 रुपीज 100 रुपीज, और उसके बाद आखिरी में, साल के आखिरी में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू DRR, जितनी नॉमिनल वैल्यू के आपने खरीद के कैंसिल किए। सर अगर प्रॉफिट में खरीदते हैं तो आपने तीन एंट्री सिखाई थी। हाँ बेटा, एक सिखाई थी डिबेंचर अकाउंट डेबिट 100 टू बैंक 90, यानी 100 वाली चीज आप कितने में खरीद लाए, 90, तो 10 का प्रॉफिट, तो 2 प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, या फिर आप 2 प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर, कोई भी नाम आप एग्जाम में यूज कर सकते हैं। सर ये प्रॉफिट जो होता है ना, ये कैपिटल नेचर का होता है, तो साल के आखिरी में इसको कैपिटल रिजर्व भेजना चाहिए, यानी प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। और सबसे आखिरी में एक एंट्री तो करेंगे ही, वो तीनों केस में कॉमन है, कौन सी? पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू डीआरआर। और अगर लॉस में खरीदे, यानी लेट से 100 रुपीज का डिबेंचर कंपनी 105 में खरीद के आई, तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट 100, लॉस ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर या लॉस ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर डेबिट 5 टू बैंक 105, यानी 105 रुपए कंपनी को आज देने पड़े। अब ये जो लॉस है, ये लॉस कंपनी को राइट ऑफ करना होगा, तो मे बी सिक्योरिटी प्रीमियम, मे बी कैपिटल रिजर्व, मे बी प्रॉफिट एंड लॉस, या मे बी जनरल रिजर्व भी मैंने आपको एक्स्ट्रा लिखवाया था, टू लॉस ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। उसके बाद साल के आखिरी की एंट्री कॉमन है। इतनी बात आपको समझ में आ गई थी, यहां तक हम पढ़ चुके थे। क्यों ना एक काम करें, पहले इतने पे क्वेश्चन कर लें, चलेगा ना? तो इतने पे क्वेश्चन कर लें, फिर आगे पढ़ें। और इतने पे क्वेश्चन कराने के लिए एक टॉपिक छोटा सा और बताना पड़ेगा, फिर क्वेश्चन करेंगे। तो यानी एक टॉपिक पहले इस पे आओ, ये पढ़ लें, फिर उस पे जब सिंकिंग फंड एग्जिस्ट नहीं करता और इमीडिएट कैंसिल करेंगे तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है? फिर बाकी एंट्रीज बाद में पढ़ेंगे। ओके सर, क्या पढ़ाने जा रहे हैं, टॉपिक क्या है? देखो हेडिंग पहले पढ़ के देखो, परचेज ऑफ डिबेंचर बिफोर द स्पेसिफाइड डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज कम इंटरेस्ट या फिर एक्स इंटरेस्ट कोटेशन। सर क्या है, थोड़ा समझाइए ना प्लीज। चलो समझो बेटा, सपोज करो आपने कंपनी का डिबेंचर खरीदा और वो कंपनी आपसे कहती है कि सर हम साल में आपको दो बार ब्याज देंगे, एक देंगे 30 सितंबर को और एक देंगे 31 मार्च को। 30 सितंबर, 6-6 महीने में हम आपको ब्याज देंगे, आपके पास उस कंपनी का डिबेंचर है, कंपनी 30 सितंबर को ब्याज दे देती है, फिर 31 मार्च को दे देती है। एक दिन क्या हुआ, कंपनी को लगा कि यार हम जाते हैं और अपने डिबेंचर ओपन मार्केट से खरीद लेते हैं, तो कंपनी आ गई आपके पास अपने डिबेंचर खरीदने के लिए। और मान लो अलग अलग केसेस, केस वन, कंपनी आपके पास आई, लेट से 31 मार्च को आपके पास आई या 1 अप्रैल को आपके पास आई, और आपसे कह रही है सर ये डिबेंचर हमको बेच दीजिए, सर हम आपको 100 रुपए दे देते हैं, 100 का डिबेंचर है, 100 में आप हमको दे दीजिए, रिडीम कर लीजिए सर, खत्म करिए। आपको ऐसे केस में 31 मार्च तक का ब्याज ऑलरेडी मिल चुका है, भाई 30 सितंबर देती हो, 31 मार्च देती, तो 31 मार्च तक का कंपनी ब्याज आपको दे चुकी थी और 31 मार्च को ही वो खरीद रही है कि हमको ये डिबेंचर सर आप दे दीजिए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको तो ब्याज मिल गया। आपको दिक्कत कब होगी, केस टू, कंपनी आपके पास आई 30 अप्रैल को,
कि सर ये डिबेंचर अपना हमको सोल्ड कर दीजिए, बेच दीजिए। अब जरा समझिए, कंपनी आपसे कह रही सर ये डिबेंचर हमको बेच दीजिए और ले लीजिए लेट्स से 100 रुपए। एज अ डिबेंचर होल्डर आपको और कुछ भी चाहिए कि 100 में काम हो जाएगा? इंटरेस्ट चाहिए। कंपनी कह रही सर दे तो चुके हैं, 31 मार्च को हमने आपको ब्याज दिया तो था ना सर, 30 सितंबर देते हैं और 31 मार्च देते हैं सर, अभी 30 अप्रैल से पहले 31 मार्च को ब्याज आपको दे तो दिया था सर, अब किस बात का ब्याज? एक महीने का पक्का? कौन से एक महीने का? अप्रैल का। यानी आप कहेंगे कि सर ऐसा थोड़ी ना होता है, आप 30 अप्रैल को खरीद रहे हैं तो इस एक महीने का ब्याज भी हमको दीजिए। तो जो भी एक महीने का ब्याज बनता है, लेट से मान लो एक महीने का ब्याज बनता है कितना मान ले, 2 रुपए मान लेते हैं, अपने मन से ऐसे ही मान लिया 2 रुपए, तो आपको चाहिए होंगे 102 रुपए। यानी आपको बेसिकली इंटरेस्ट भी चाहिए होगा, और कब से कब तक का? जब लास्ट बार उसने ब्याज दिया था 31 मार्च, वहां से लेके जब कंपनी खरीद रही है 30 अप्रैल, तो ये एक महीना होता है मोटा मोटा, इस एक महीने का भी ब्याज चाहिए होगा। इस वाले केस में आपने ब्याज क्यों नहीं मांगा पहले केस में? क्योंकि 31 मार्च को ही खरीद रही हो, एग्जैक्टली उसी डेट पे अगर खरीद रही है जो ब्याज की डेट है तो कोई टेंशन नहीं, बट अगर उस डेट से अगल बगल खरीद रही है, उस डेट के अलावा किसी डेट पे खरीद रही है, तो सामने वाले को ब्याज चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? अच्छा अगर आप बताओ, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और केस लेते हैं, केस 3, कंपनी आपके पास खरीदने आई 31 दिसंबर को, अब बताओ आपको ब्याज चाहिए कि नहीं चाहिए और कितने महीने का चाहिए? बस इतना बता दो, महीने बता दो, ब्याज चाहिए पहले तो बताओ, ब्याज चाहिए, अलग से ब्याज चाहिए होगा, कितने महीने का चाहिए होगा? 3 महीने कैसे निकाले? बिल्कुल, अब आप समझदार हैं, आप कह रहे हैं सर कि 31 दिसंबर से पहले, इन दोनों में कौन सी डेट आई होगी, 30 सितंबर आई होगी, 31 दिसंबर से पहले 30 सितंबर तक का तो ब्याज हमें मिल चुका है, बचा है अक्टूबर का, नवंबर का, दिसंबर का। यानी आप ऐसे केस में जो भी कंपनी दे रही है 100 जो भी है वो तो लेंगे ही लेंगे, प्लस मान लो एक महीने का अगर 2 रुपए तो 3 महीने का ब्याज 6 रुपए अलग से लेंगे, 106 लेंगे। ये जो आप एक्स्ट्रा ले रहे हैं ना 3 महीने का या केस 2 में 1 महीने का, इसको हम लोग अपनी भाषा में प्रोफेशनल लैंग्वेज बोलते हैं ब्रोकन पीरियड का इंटरेस्ट। कौन से पीरियड का? ब्रोकन पीरियड। ब्रोकन पीरियड मतलब कि जब कंपनी अपने डिबेंचर मार्केट से खरीद रही है तो जाहिर सी बात है डिबेंचर होल्डर ब्याज डिमांड करेगा, डिबेंचर होल्डर कहेगा भैया हमें इंटरेस्ट तो चाहिए, हमें पिछली बार आपने जब दिया था वहां से लेके उस डेट से लेके आज जब कंपनी खरीद रही है जितने भी महीने होंगे हमें उतने महीने का ब्याज चाहिए। अगर एग्जैक्टली उसी डेट पे खरीद रही होगी जो इंटरेस्ट की ड्यू डेट्स हैं तो फिर ब्याज की कोई बात अलग से नहीं आएगी। इतनी बात समझ गया? ओके, अब देखो जैसे केस 2 है तो जाहिर सी बात है कंपनी पे करेगी 102 रुपए, केस 3 है तो 106। अब कंपनी ना इसको डिबेंचर होल्डर तक बताती कैसे है? इसको बताने के 2 तरीके होते हैं। जैसे केस 2 की बात करते हैं, केस 2 कंपनी जो है डिबेंचर होल्डर को कैसे कम्युनिकेट करेगी? एक तरीका यह होता है कि कंपनी कहेगी सर हम आपसे ये डिबेंचर खरीदेंगे 102 में, और ये कोटेशन सर हमारी कम इंटरेस्ट की कोटेशन है। कम इंटरेस्ट की कोटेशन का मतलब है सर इसमें ऑलरेडी ब्याज जुड़ा हुआ है, यानी 102 में ऑलरेडी ब्याज जुड़ा है। या फिर डिबेंचर होल्डर तक अपनी बात ऐसे पहुंचाएगी कि सर हम आपसे ये जो केस 2 की बात करें ना, हम आपसे ये डिबेंचर खरीदेंगे 100 में और सर ये एक्स इंटरेस्ट कोटेशन है, हमने कंपनी का मतलब करी, कंपनी करी मतलब इस पे ब्याज नहीं जुड़ा, ये देंगे प्लस ब्याज और देंगे, देंगे दोनों ही केसेस में 102 रुपए। आप समझिएगा बात को, चाहे वो कम इंटरेस्ट कोटेशन हो चाहे वो एक्स इंटरेस्ट हो, ब्याज तो दोनों ही केसेस मिलना है, बट बताने का तरीका क्या होता है, कई बार जो कोटेशन दी होती, कोटेशन समझते हैं ना, जो कोट दी है, जो प्राइस दिया है, कई बार आपको क्वेश्चन में लिखा होता है कि इतने पे खरीद रही है और ब्रैकेट में लिखा होता है कि ये एक्स इंटरेस्ट कोटेशन है, कई बार लिखा होता है कम इंटरेस्ट कोटेशन है, तो हम लोग क्या समझे? अगर ब्रैकेट में लिखा है एक्स इंटरेस्ट कोटेशन तो हम ये समझेंगे जो भी कोटेशन दी है इसमें अभी ब्याज नहीं जुड़ा है, जितनी भी कोटेशन दी है इसमें अभी ब्याज नहीं जुड़ा, तो हम ब्याज निकालेंगे और उसको उसमें जोड़ देंगे ताकि टोटल कोटेशन हमारी आ जाए।
और अगर कम इंटरेस्ट कोटेशन दी है तो इसका मतलब ब्याज उसमें जुड़ा है। ऐसे केस में भी हमें ब्याज तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, बात समझिएगा, ब्याज जुड़ा है बट जैसे अगर उसने हमको 102 रुपए दिया कम इंटरेस्ट कोटेशन, तो हमें ब्याज तो निकालना पड़ेगा कि ब्याज कितने रुपए का है। क्यों? क्योंकि जब एंट्री करेंगे ना जनरल एंट्री, तो ब्याज तो अलग से डेबिट होता है ना, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक ब्याज देते हैं, तो ब्याज की एंट्री करने के लिए हमें ब्याज का अमाउंट तो दोनों ही केसेस में कैलकुलेट तो करना पड़ेगा। हमारे कैलकुलेशन कहीं कम नहीं होंगे, चाहे कम इंटरेस्ट कोटेशन हो चाहे एक्स इंटरेस्ट कोटेशन हो। हाँ, बस कैलकुलेशन में पार्ट क्या रहेगा कि अगर हमने कम इंटरेस्ट कोटेशन दी और ब्याज अलग से निकाला 2 रुपए, तो हम कहेंगे ये जो कम इंटरेस्ट कोटेशन है इसमें प्रिंसिपल भी जुड़ा है और इंटरेस्ट भी जुड़ा है, यानी 102 रुपए में हम कहेंगे 2 रुपए अगर माइनस कर दें तो प्रिंसिपल आ जाएगा 100 रुपए का, कितना रुपए दे रहे हैं, है ना। और अगर उसने हमको एक्स इंटरेस्ट कोटेशन दी 100 रुपए की, तो ब्याज हम तब भी निकालेंगे 2 रुपए। बस अंतर यह है कि अगर एक्स इंटरेस्ट कोटेशन देगा तो हम कहेंगे ये जो दिया है 100 रुपए ये प्रिंसिपल दिया है, इसमें 2 रुपए जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल कितना पेमेंट करना है ब्याज मिला के। आप समझ गए, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन दोनों ही केसेस में होगा। अगर कभी जो कोटेशन दी हो उसके आगे बताना वो भूल जाए या वो आपको ना दे एग्जाम में कि ये एक्स इंटरेस्ट है कि कम इंटरेस्ट है, तो हम लोग उसको एक्स इंटरेस्ट एज्यूम करते हैं। बता देगा तो जो बताएगा वो करेंगे, नहीं बताएगा रेयर पॉसिबिलिटी कि ना बताए, 99% आपको बता देगा। कभी अगर ना बताए तो हम एक्स इंटरेस्ट कोटेशन एज्यूम करते हैं, यानी हम ये मानते हैं कोटेशन में ब्याज पहले से जुड़ा हुआ नहीं है। अब एक बार पढ़ते हैं फिर क्वेश्चन में कैसे इसको इंप्लीमेंट करेंगे वो भी सीखेंगे। परचेज ऑफ डिबेंचर बिफोर द स्पेसिफाइड डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा सर, अगर स्पेसिफाइड डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट वाले दिन ही हम खरीद रहे होते तो ब्याज की कोई बात ही नहीं आती, यानी उससे पहले हम खरीद रहे हैं, ठीक है ना। अब पढ़ के देखते हैं, पहले बॉक्स पढ़ लें जरा। इन केस ऑफ एक्स इंटरेस्ट कोटेशन, ये बॉक्स पढ़ रहे हैं जो लेफ्ट हैंड साइड में, एक्स इंटरेस्ट कोटेशन, बताओ इंटरेस्ट ऑलरेडी उस कोटेशन में जुड़ा होगा, नहीं अलग से होगा ना। इन केस ऑफ एक्स इंटरेस्ट कोटेशन, इंटरेस्ट हैज टू बी पेड टू द होल्डर फॉर एक्सपायर्ड पीरियड, जिसको ब्रोकन पीरियड बोल लो, एक्सपायर्ड पीरियड बोल लो, यानी हिंदी में पिछली बार जब ब्याज दिया गया था, लास्ट जो ब्याज की डेट थी उस डेट से लेके आज जब कंपनी खरीद रही है, उतना जो पीरियड होता है वो होता है एक्सपायर्ड पीरियड या ब्रोकन पीरियड, उतने टाइम का ब्याज। तो इन केस ऑफ एक्स इंटरेस्ट कोटेशन, इंटरेस्ट हैज टू बी पेड टू द होल्डर फॉर द एक्सपायर्ड पीरियड इन एडिशन टू द प्राइस पेड फॉर डिबेंचर। जितना आप पैसा डिबेंचर के लिए दे रहे हैं उससे ज्यादा ब्याज, मतलब इन एडिशन, उसके अलावा आपको ब्याज भी देना है। तो अगर हो सकता है आप 100 रुपए का डिबेंचर 100 पे खरीद रहे हैं एक्स इंटरेस्ट कोटेशन, तो 100 रुपए प्लस मान लो 2 रुपए का ब्याज। कभी कई बार सस्ता खरीद लाते हैं कि 90 की एक्स इंटरेस्ट कोटेशन है प्रॉफिट में, तो 90 रुपीज देंगे प्लस 2 रुपए का ब्याज 92 देंगे। और कई बार महंगा खरीद लाते हैं मार्केट में, कह रहे हैं 105 रुपए की एक्स इंटरेस्ट कोटेशन है, तो एक्स इंटरेस्ट जब भी बोलेगा यानी इसमें ब्याज पहले से जुड़ा हुआ नहीं है जी, ठीक है। इन एनी केस, किसी भी केस में कंपनी मस्ट पे इंटरेस्ट, ब्याज तो आपको देना ही पड़ेगा फॉर द एक्सपायर पीरियड, एंड व्हाइल मेकिंग एंट्री इन इट्स बुक्स, आप जब एंट्री करेंगे एट द टाइम ऑफ परचेज, आपने जो अमाउंट पे किया बाय वे ऑफ इंटरेस्ट उसको तो अलग से आपको सेपरेटली ट्रीट करना ही पड़ेगा। यानी कुल मिला के बात इतनी है भैया कि चाहे एक्स इंटरेस्ट कोटेशन हो चाहे कम इंटरेस्ट कोटेशन हो, हमें इंटरेस्ट तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, नहीं तो जनरल एंट्री कैसे करेंगे। ओके सर, राइट हैंड साइड क्या लिखा है पढ़ो। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज जर्नली पेड हाफ ईयरली टू द होल्डर ऑन ए सर्टेन स्पेसिफाइड डेट, आमतौर पे 6-6 महीने में देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 30th September एंड 31st March एवरी ईयर। इफ डिबेंचर आर परचेज एग्जैक्टली ऑन दीज स्पेसिफाइड डेट, इसी दिन पे खरीदे जाएंगे तो कोई भी ब्रोकन पीरियड कोई भी एक्सपायर पीरियड है ही नहीं, इट इन्वॉल्व्स नो प्रॉब्लम। इन सच अ केस इंटरेस्ट तो हम दे ही चुके हैं आपको, बट वेयर डिबेंचर आर परचेज एट ए डेट बिफोर द स्पेसिफाइड डेट। आप समझ पाए बात को, द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट नेचुरली अराइजेस इज वेदर, क्वेश्चन नेचुरली अराइजेस वेदर जो प्राइस पे कर रहे हैं डिबेंचर का उसमें इंक्लूड है इंटरेस्ट एक्सपायर्ड पीरियड का कि नहीं। अगर इंक्लूड है तो वो कम इंटरेस्ट कोटेशन है, और इंक्लूड नहीं है तो फिर वो एक्स इंटरेस्ट। एक्सपायर्ड पीरियड किसको बोलते हैं, देखो इन्होंने लिखा है यहां ब्रैकेट में, That is from the previous date of payment of interest up to date of purchase. For this purpose, it is important to note whether the price paid for the debenture is quoted as cum interest or ex interest.
इफ द परचेज प्राइस फॉर द डिबेंचर इंक्लूड्स इंटरेस्ट फॉर द एक्सपायर्ड पीरियड, कोटेशन को हम कहेंगे कम इंटरेस्ट. इफ ऑन द अदर हैंड परचेज प्राइस फॉर द डिबेंचर एक्सक्लूड इंटरेस्ट, तो हम कोटेशन को क्या कहेंगे? अब समझ गए? अब सुनिए, अब हम लोग ये जो हम लोगों ने सीखा ओपन मार्केट से खरीदने वाला इमीडिएटली कैंसिल कर रहे हैं, सिंकिंग फंड एग्जिस्ट नहीं करता. और इसमें तीन केसेस कि या तो हमने ना प्रॉफिट ना लॉस, या फिर प्रॉफिट या लॉस, तो ये एंट्रीज तो हम करने ही वाले हैं. इसके अलावा हमें ना ब्याज की भी एंट्री करनी पड़ेगी कि कंपनी जिस समय खरीद रही है कंपनी देखेगी तो ना ब्रोकन पीरियड कितना, उतना ब्याज भी देगी. अच्छा, ब्याज की एंट्री तो बड़ी सिंपल है, आपको आती है, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, और साल के आखिरी में जो भी ब्याज होता है ना वो पीएनएल में चला जाता है, नहीं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट. मतलब ये जो एंट्रीज है ये तो होंगी ही होंगी, ये जो आपके सामने इस समय दिख रही है, इसके अलावा ब्याज की अलग से एंट्री होगी, डिबेंचर इंटरेस्ट टू बैंक और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट साल के आखिरी में. अब देखो पहली एंट्री क्या है, पहली एंट्री जैसे नो प्रॉफिट नो लॉस में डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, और एक एंट्री होनी है डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक. तो आप चाहे तो पहली एंट्री में मर्ज भी कर सकते हैं. पहली एंट्री में मर्ज करेंगे तो क्या बनेगा, डिबेंचर अकाउंट डेबिट डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक. और चाहे अगर जैसे प्रॉफिट का केस है तो प्रॉफिट वाले केस में पहली एंट्री है डिबेंचर टू बैंक टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर या टू प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर. तो आप इसी में मर्ज कर सकते हैं डिबेंचर अकाउंट डेबिट डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन या टू प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर. या तीसरी एंट्री आपको जो इस समय लॉस की दिख रही है, डिबेंचर अकाउंट डेबिट लॉस ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, इसी में अगर आप जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, डिबेंचर अकाउंट डेबिट डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट लॉस ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक. क्या ज्यादा बेटर रहेगा, अलग अलग एंट्री करना कि साथ में? बेटर भी यही होता है साथ में, रीजन बीइंग आप उसी दिन पे खरीद रहे हो ना, एक ही समय तो आप दोनों पेमेंट कर रहे होगे, तो अलग अलग एंट्री से बेटर है कि कंबाइंड एंट्री करें. तो आप समझ गए, यानी ये एंट्रीज याद रखिएगा, ये हम लोग साथ में करेंगे, प्लस ब्याज की भी हम लोग एंट्री करेंगे जहां पे जरूरत होगी वहां पे. आइए अब पहले मैं आपको क्वेश्चन पे एक लेके चलता हूं, एक इलस्ट्रेशन है हमारे पास, इलस्ट्रेशन नंबर 15, इसको बहुत आराम से हम लोग करेंगे, टाइम लगा के करेंगे. रेडी हैं सभी लोग, ऑनलाइन वाले भी? चलिए जी. हाँ जी, क्या लिखा है, पहले तो ब्रैकेट में लिखा है परचेज ऑफ डिबेंचर फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन. अच्छा, जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ये लिखेगा ना ब्रैकेट में, ऐसे बताएगा, ये नहीं बताएगा, ये यही बता रहा है. एग्जाम में तो क्वेश्चन यहां से शुरू हो जाएगा एक्स वाई जेड लिमिटेड, और आपको पढ़ के समझना पड़ेगा कि इमीडिएट कैंसिलेशन वाला है कि एज अ इन्वेस्टमेंट वाला है, पढ़ के सब समझ में आ जाएगा. तो क्वेश्चन जरा पढ़ के एक बार समझने की कोशिश करते हैं. एक्स वाई जेड लिमिटेड has 5000 10% डिबेंचर of 100 each. ये 5000 क्या है, नंबर ऑफ डिबेंचर, 10% ब्याज है, 100 रुपए की नॉमिनल वैल्यू फेस वैल्यू है. द इंटरेस्ट ऑन दीज डिबेंचर इज पेड हाफ ईयरली. हम हाफ ईयरली ब्याज का पेमेंट करते हैं, कब कब करते हैं सर, ऑन 30th जून को करते हैं एंड 31st दिसंबर को करते हैं. अच्छी बात है. द कंपनी is not maintaining any sinking fund. मतलब ये कौन सा क्वेश्चन है जब sinking fund exist नहीं करता. On 1st April 2022, the company purchased 500 debentures at rupees 95 each, कम interest for immediate cancellation. यानी इससे ये समझ में आया कि एक तो ये क्वेश्चन है जब सिंकिंग फंड एग्जिस्ट नहीं करता और ओपन मार्केट से कंपनी खरीद रही है, और वो भी इन्वेस्टमेंट के तौर पे नहीं खरीद रही, इमीडिएट कैंसिलेशन. तो 1 अप्रैल 22 को उसने 500 डिबेंचर खरीदे 95 के हिसाब से, और 95 की जो कोटेशन दी है ये एक्स इंटरेस्ट है कि कम इंटरेस्ट है, कम मतलब इस पे ब्याज ऑलरेडी जुड़ा है. हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, यस और नो, कैलकुलेशन का पार्ट तो हमें करना पड़ेगा, बट ब्याज इसमें ऑलरेडी जुड़ा है, तो अभी करके दिखाऊंगा, अभी सब करूंगा. उसके अलावा भी बोल रहे हैं, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ. ऑन 1st October 2022, अच्छा क्या हुआ सर, अब क्या हुआ, द कंपनी परचेज 600 डिबेंचर्स एट रुपीज 90 ईच.
एक्स इंटरेस्ट, ये वाली कोटेशन एक्स इंटरेस्ट है फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन और जनरल एंट्री करनी है तो सबसे पहले हम 1 अप्रैल की बात करते हैं और कुछ कैलकुलेशंस पार्ट की बात कर लेते हैं, है ना। फिर हम लोग एंट्री तो कर ही लेंगे, पहले कुछ कैलकुलेशन कुछ समझ लेते हैं। हमने जो सबसे पहले डिबेंचर खरीदे हैं, ये 500 डिबेंचर, ये कौन सी डेट को खरीदे हैं? 1 अप्रैल 2022, 1 अप्रैल 2022 को हमने ये 500 डिबेंचर खरीदे। अब मैं जितना पूछूं सिर्फ उतना बता देना, 1 अप्रैल 2022 से जस्ट पहले कंपनी ने आखिरी बार ब्याज कौन सी डेट को बांटा होगा? यानी कंपनी दो बार बांटती है, 30 जून को और 31 दिसंबर को। आप दिमाग लगाओ कि 1 अप्रैल से पहले क्या आके गया होगा, 30 जून आई होगी कि 31 दिसंबर आई होगी? 31 दिसंबर, यानी हम कह सकते हैं 31 दिसंबर 2021 तक का ब्याज वो बांट चुकी है, 31 दिसंबर 2021 तक का ब्याज बांट चुकी है, आज खरीदने निकली है 1 अप्रैल 2022। तो यानी जब 1 अप्रैल 2022 को खरीदने निकली है तो कितने महीने की ब्याज की बात होगी? एक्सपायर्ड पीरियड 3 महीना है, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल तो शुरू हुआ है, तो 3 महीने का ब्याज। कितने डिबेंचर खरीदने जा रही है? क्या सारे खरीद ला रही है मार्केट से? पहली लाइन में लिखा था 5000 डिबेंचर, क्या पूरे 5000 डिबेंचर खरीद रही? नहीं जी नहीं। कितने खरीद रही? 500 डिबेंचर। क्या आप में से कोई बच्चा 500 डिबेंचर पे 3 महीने का ब्याज बता सकता है कितना बनता? कर पाएंगे एक बार? 500 डिबेंचर है, 3 महीने का ब्याज, ब्याज का रेट भी आपके पास क्वेश्चन में है, 500 डिबेंचर पे वो जो एक्सपायर्ड पीरियड है 3 महीना आपने बताया, उस 3 महीने का ब्याज बता दो। हैं जी, आपका 15,000 आ रहा आपका। अरे आप टेंशन क्यों लेते हो, सकता आपका सही हो रहा हो। 500 डिबेंचर पे 3 महीने का ब्याज। हिंट मैं आप सभी को दे देता हूं, ब्याज हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे कैलकुलेट होता है, ठीक है जी, और नॉमिनल वैल्यू 100 है, ब्याज का रेट 10% है, ये साल का है, आपको 3 महीने का ब्याज निकालना है, पूरे साल का नहीं निकालना, 3 महीने का 500 डिबेंचर पे ब्याज निकालना है। बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन होगा। आप कह रहे हैं 1250, आप पहले भी यही बोल रहे थे, आप सही बोल रहे थे, आप कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आपके अंदर? हाँ नहीं, आप 125 बोल रहे थे, 1250, वेरी गुड। देखिए कैसे करेंगे, जिनका नहीं हो रहा कोई बात नहीं, इंटरेस्ट हम जो निकालेंगे, इधर लिखें, चलो इधर लिखते हैं, हम जो इंटरेस्ट निकालेंगे सर, वो कैसे निकालेंगे, कब का निकालेंगे, पहले तो देखो हम निकाल रहे हैं बेटा 1 जनवरी 2022, जो हमारा एक्सपायर्ड पीरियड का इंटरेस्ट है, इसे लिख दो एक्सपायर्ड पीरियड का जो हमारा इंटरेस्ट है उसका पीरियड है 1 जनवरी 2022 से 31 मार्च 2022, और आप कहते हैं 3 महीने होते हैं, 500 डिबेंचर हैं जो हम खरीद रहे हैं और हर एक डिबेंचर की नॉमिनल वैल्यू 100 रुपए है, इसके अलावा 10% का तो सर रेट है, बट सर ये तो पूरे साल का ब्याज, आप कह रहे हैं 3 महीने का, तो into 3/12 दैट इज 1250 का ब्याज। हाँ 100 क्यों किया? वेरी गुड, देखो 100 इसलिए किया बेटा, ये 500 तो नंबर ऑफ डिबेंचर है, हर एक डिबेंचर 100 रुपए की नॉमिनल वैल्यू का है, तो कितने रुपए की नॉमिनल वैल्यू हो गए? 500 इंटू 100 कितना होता है? 50,000 कैसे होगा? 50,000 हो जाएगा मेरे हिसाब से, तो 50,000, ये 500 इंटू 100 मतलब आप डायरेक्टली 50,000 लिख लेना, 50,000 रुपए की नॉमिनल वैल्यू हुई ना, नॉमिनल वैल्यू 500 पे थोड़ी ना, 500 तो नंबर थे, 500 का 10% थोड़ी ना लिख लेना, समझे आप? ठीक है, और ये 10% क्यों लिया ये समझ में आ गया? ये 3 महीने क्यों किया? ये अपॉन 12 क्यों किया? ठीक है, हमेशा ब्याज जो है ना नॉमिनल वैल्यू पे निकलता है, तो हर एक डिबेंचर की नॉमिनल वैल्यू यहां पे 100 दी है तो हम 100 ले रहे हैं, ठीक है, इतना पार्ट हो गया। अच्छा अभी कैलकुलेशन और बचा है इसी का, इस पे हमको जो इन्होंने कोटेशन दी है, जो ये 500 डिबेंचर कंपनी खरीद रही है, इसकी कोटेशन कंपनी ने दी है, कितनी दी है? 95, और कौन सी कोटेशन दी है? ये कम इंटरेस्ट, मतलब इसमें ऑलरेडी ब्याज जोड़ा है, दैट इज ये टोटल पेमेंट है, प्रिंसिपल प्लस ब्याज मिला के इन्होंने जो दिया है वो 95 दिया है, तो जो टोटल पेमेंट कंपनी कर रही है, देखना जरा, टोटल
जो पेमेंट कंपनी कर रही है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, है ना, इंक्लूडिंग ब्याज ही तो है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। आप कह रहे हैं सर वो कर रही है 500 डिबेंचर इंटू 95, जरा करना मल्टीप्लाई करना, 47,500, ठीक है 47,500। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये तो टोटल पेमेंट कर रही है ब्याज मिला के, इसमें से ब्याज कितना है, वो आपने निकाला है 1250, 1250 या 1250। अगर ब्याज इतना है तो इसमें से प्रिंसिपल कितना होगा, प्रिंसिपल पेमेंट कितना है, प्रिंसिपल रीपेमेंट या पेमेंट लिख लो, पेमेंट ही लिख देते चलो। कैसे निकाला, क्या किससे माइनस किया, 47,500 माइनस 1250 कितना आता है, 46250। अब सुनना मेरी बात, सुनना, खरीद के रख रहे हैं कि तुरंत कैंसिल कर रहे हैं, तुरंत कैंसिल कर रहे हैं, कितनी नॉमिनल, जो जो पूछूं वो बताना, सब कुछ आ जाएगा, कितनी नॉमिनल वैल्यू के डिबेंचर कंपनी खरीद के कैंसिल कर रही है, 50,000। कितनी नॉमिनल वैल्यू के डिबेंचर कंपनी खरीद के कैंसिल कर रही है, 50,000। कैसे है 50,000, 500 डिबेंचर इंटू 100 की नॉमिनल वैल्यू, यानी नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिबेंचर वो आप कह रहे हैं 500 डिबेंचर इंटू 100, 50,000। अब सुनना, 50,000 की नॉमिनल वैल्यू वाला डिबेंचर कंपनी खरीद ला रही है 46250 में, देखते जाना एक मिनट, 50,000 की नॉमिनल वैल्यू वाला डिबेंचर कंपनी खरीद रही है 46250 में, खरीदते समय इतना बता दो कंपनी को प्रॉफिट है कि लॉस है, कि नो प्रॉफिट नो लॉस है, क्या है, प्रॉफिट है। हमेशा ध्यान रखना, प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए नॉमिनल वैल्यू को प्रिंसिपल से कंपेयर करना है, किससे, चाहे कम इंटरेस्ट कोटेशन हो चाहे एक्स इंटरेस्ट, किससे कंपेयर करना है, प्रिंसिपल से, मतलब ऐसे फिगर से जिसमें ब्याज जुड़ा हुआ नहीं है उससे कंपेयर करना है। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा है, आप कह रहे हैं सर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, कितने रुपए का, यानी ऐसे निकाला आपने 3750 को, 50,000 माइनस 46250 दैट इज 3750। आपको पता है आपने सारे कैलकुलेशन कर लिए, बस एंट्री करना तो बड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए, बट अभी हम एंट्री पे रुक रहे हैं, अभी हम सेकंड वाला पार्ट का भी कैलकुलेशन कर ले रहे हैं, और इन सबका जो न्यू सिलेबस वाले हैं वर्किंग नोट दिखा दें बढ़िया सा, बस इसी वर्किंग नोट डाल दें, हो गया वर्किंग नोट नंबर 1 बन गया, ठीक है। ऊपर हेडिंग डालनी है तो लिख सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर एक्सपायर्ड पीरियड एंड प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, ऐसी हेडिंग डाल सकते हैं, और उसका सुंदर समझ, इतना वर्किंग नोट दे दिया, हो गया। और डालना है तो ऐसा डाल सकते हैं, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन एक्सपायर्ड पीरियड एंड प्रिंसिपल ऑन 500 डिबेंचर्स, क्योंकि अभी एक और डिबेंचर खरीदे ना इन्होंने, उस पर फिर निकालना पड़ेगा, एक और वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। इसमें पहले बताओ किसी को कुछ पूछना है, क्या किया हम लोगों ने, सबसे पहला काम ब्याज कैलकुलेट कर लिया, फिर उसके बाद हमने क्या किया, ब्याज के बाद मतलब ब्याज के लिए ब्रोकिंग पीरियड कैलकुलेट किया, एक्सपायर्ड पीरियड, उसके बाद ब्याज के बाद हमने कोटेशन देखी, कोटेशन में ब्याज जुड़ा हुआ था तो हमने कहा अगर इसमें से ब्याज हटा देंगे तो प्रिंसिपल आ गया, और प्रिंसिपल आ गया नॉमिनल वैल्यू से कंपेयर किया, हमें पता चल गया कि यहां प्रॉफिट है, अगर प्रिंसिपल ज्यादा होता नॉमिनल वैल्यू कम होती तो लॉस होता। अगले वर्किंग नोट की तरफ चलते हुए, अगला वर्किंग नोट सर किसका बनाएंगे, बेटा एक और जो इन्होंने एक बार डिबेंचर खरीदा है, कब खरीदा है, फर्स्ट, अब इधर आओ एक मिनट, फर्स्ट कब खरीदा है एक और डिबेंचर, फर्स्ट अक्टूबर 2022 को 600 डिबेंचर और खरीदे हैं। आप लोग क्या आगे वाला सॉल्व कर रहे हैं, कर लिया, ये दूसरा वाला पार्ट पूरा कैलकुलेट कर लिया, अच्छा नहीं मेरे साथ चलो, कोई बात नहीं मेरे साथ चलते हैं, ठीक है ना, कोई जल्दी नहीं हमको, मेरे साथ साथ चलेंगे। ऑन 1st अक्टूबर 2022 कंपनी ने 600 डिबेंचर खरीदे, अब मैं जो आपसे पूछूं वो सब बताइएगा, 1 अक्टूबर 2022 से जस्ट पहले कंपनी ने ब्याज कब पे किया होगा, क्योंकि कंपनी साल में दो बार ब्याज पे करती है, 30 जून को और 31 दिसंबर को, तो मेरा सवाल सिंपल है, 1 अक्टूबर से पहले 30th जून आके गई होगी कि 31st दिसंबर आके गई होगी, 30th जून यानी 30 जून 2022 तक का
तो पेमेंट कंपनी कर चुकी होगी। वहां से लेके 1 अक्टूबर तक का करना है, तो जून तो बीत गया, जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने ये भी होते, इत्तिफाक से ये भी 3 महीने हो रहे, पहले वाले भी 3 हो रहे, जरूरी नहीं कि हर बार 3 ही होंगे, इत्तिफाक है 3, हो सकता है 4 होते तो हम 4 का निकाल लेते। तो कैसे 3 महीने में 30 जून तक का ब्याज दे दिया, तो अब देना किसका है, जुलाई का, अगस्त का, सितंबर का, बाकी तो अक्टूबर की तो पहली ही तारीख है। ठीक है, चलो इसका भी सर ब्याज कैलकुलेट करा दो, आप निकाल पाओगे क्या 600 डिबेंचर पे 3 महीने का ब्याज निकाल पाओगे? 600 डिबेंचर है, 3 महीने का ब्याज, ब्याज हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे ही निकालना, 1500, क्या बात है, वेरी गुड, ऑनलाइन वाले बच्चे भी धड़ाधड़ आंसर दे रहे हैं, 1500, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजेदार। ₹1500 आप लोग कह रहे हैं, और चलिए इसका भी वर्किंग नोट इधर बना लिया जाए। इंटरेस्ट या एक्सपायर्ड पीरियड इंटरेस्ट या इंटरेस्ट फॉर एक्सपायर्ड पीरियड, कुछ भी लिख ले। एक्सपायर्ड पीरियड कहां से कहां तक का है, 30 जून तक का कंपनी ब्याज पे कर चुकी है, यानी 1 जुलाई 2022 से कब खरीद रही कंपनी, 1 अक्टूबर खरीद रही, कब खरीद रही है, तो 30 सितंबर 22 या 1 अक्टूबर भी आप लिख दोगे तो चल जाएगा, हाँ 1 अक्टूबर खरीद रही है, 1 अक्टूबर भी लिख दोगे तो कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये 3 महीने होते हैं, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, दैट इज 3 मंथ्स, और ब्याज निकाले, इंटरेस्ट 600 डिबेंचर नॉमिनल वैल्यू 100 इंटू ब्याज का रेट 10% इंटू 3 महीने, और आपने बताया 1500, हम भरोसा कर रहे हैं आप पे, ये लीजिए 1500 ही है ना, चेक कर लीजिएगा हम, ओके। अब देखते हैं इन्होंने कोटेशन क्या दी हुई है, हमको कोटेशन क्या दी है, 600 डिबेंचर 90x इंटरेस्ट, मतलब इस पे ब्याज ऑलरेडी जुड़ा है, नहीं जुड़ा है, मतलब ये टोटल पेमेंट, दो ऑप्शन दे रहा हूं, एक सही है, ये टोटल पेमेंट दिया इंक्लूडिंग इंटरेस्ट कि ये टोटल पेमेंट दिया एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, और जो पेमेंट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट होता है उसको हम क्या बोल रहे थे यहां पे, प्रिंसिपल दिया है, क्या दिया है ये, प्रिंसिपल, यानी जो हम प्रिंसिपल पेमेंट कर रहे हैं वो पेमेंट आप कह रहे हैं सर 600 डिबेंचर इंटू कितना था 90, यानी 9654 54,000, ओके। इसमें 54,000 में हम इंटरेस्ट जोड़े तब हमारा टोटल पेमेंट आएगा कि इंटरेस्ट माइनस करें तब टोटल पेमेंट आएगा? देखो एक बात ध्यान रखना हमेशा, एंट्री करने के लिए, मेरी बात सुन लो पूरी, मेरी बात सुन लो, एंट्री करने के लिए चाहे कम इंटरेस्ट कोटेशन हो चाहे एक्स इंटरेस्ट, आपको ये सारी चीजें चाहिए एंट्री करने के लिए, चाहे कम इंटरेस्ट कोटेशन हो चाहे एक्स इंटरेस्ट, आपको इसकी भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी इंटरेस्ट की, आपको टोटल पेमेंट की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, आपको प्रिंसिपल पेमेंट की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, आपको नॉमिनल वैल्यू की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, अभी चेक करा दूंगा, सबकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और आपको प्रॉफिट की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो चाहे एक्स इंटरेस्ट कोटेशन हो चाहे कम इंटरेस्ट कोटेशन हो, हमें सारी चीजें निकालनी है। तो हमारे पास, हमने अभी वर्किंग नोट नंबर 2 में ब्याज निकाल लिया है और प्रिंसिपल का पेमेंट भी हमने निकाल लिया है। अब मैं सोच रहा हूं कैसे मैं टोटल पेमेंट भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि एंट्री तो मेरे को करने के लिए जरूरत पड़ेगी उसकी, तो मैं टोटल पेमेंट कैसे निकालूं, टोटल पेमेंट अगर मेरे को निकालना है, टोटल कितना कंपनी पे कर रही है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, तो कितना आप बता सकते हैं कैसे निकलेगा, प्लस करें माइनस करें, बड़ा कंफ्यूजन है, कोई फॉर्मूला तो मैंने सिखाया नहीं आपको, प्लस करेंगे बड़ा सिंपल सी बात है, यानी 54,000 ये दे रहे हैं, 1500 ये दे रहे हैं, दैट इज 55,500, 555,000। और सर क्या चाहिए होगा, और बेटा नॉमिनल वैल्यू भी चाहिए होगी ना, अच्छा सर नॉमिनल वैल्यू जो डिबेंचर की है वो 600 डिबेंचर इंटू 100, 60,000, 600 डिबेंचर इंटू 100,
60,000 सर प्रॉफिट और लॉस भी तो निकालना पड़ेगा. बिल्कुल बेटा. सर कौन सी दो फिगर कंपेयर करेंगे? कॉन्सेप्ट वही है हमेशा, प्रिंसिपल और नॉमिनल वैल्यू. चाहे कम इंटरेस्ट कोटेशन हो चाहे इंटरेस्ट, कॉन्सेप्ट से मत हिलना. यानी प्रिंसिपल इसको और इसको, यानी कंपेयर करो. 60,000 की चीज कंपनी मार्केट में जाके 54,000 में खरीद लाई. प्रॉफिट है यानी प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर या कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर, कुछ भी एक नाम यूज करना. और कितना सर? 60,000 माइनस 54,000 दैट इज 6,000. ये भी वर्किंग नोट टू है, इसमें भी आप ऊपर हेडिंग डाल लीजिएगा, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपायर्ड पीरियड इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर फॉर 600 डिबेंचर परचेज्ड ऑन जो भी तारीख थी 1 अक्टूबर 22, जो भी आप हेडिंग छोटी मोटी बड़ी चौड़ी जो डालना चाहें थोड़ा सा डाल करके उसको समझा देंगे. नोट कर लीजिए. अब देखिएगा आप कितना आसान हो जाएगा हम लोगों के लिए एंट्री करना. इस वर्किंग नोट से हम लोग को बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी. और जो आपने ऊपर सीखा था 3 केसेस, ये उसमें से कौन सा केस है प्रॉफिट का? दोनों ही बार जो हमने 1 अप्रैल 22 को भी खरीदा है वो भी प्रॉफिट का है और 1 अक्टूबर 22 को भी प्रॉफिट का है. एक मिनट इधर देखना, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं. प्रॉफिट में था क्या? एंट्री जो थी वो डिबेंचर डेबिट हो रहा था टू बैंक टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर. डिबेंचर जो डेबिट होता है वो हमेशा नॉमिनल वैल्यू से डेबिट होता है. एक चीज और लेकिन डेबिट हमें लग रहा है हमें करना पड़ेगा, डिबेंचर का इंटरेस्ट वो हमने निकाला ही हुआ है, अभी करेंगे एंट्री में करा दूंगा. टू बैंक में क्या जाएगा आपको क्या लगता है? टू बैंक में मैं आपको दो ऑप्शन देता हूं. टू बैंक में क्या चीज जाती है? टू बैंक का मतलब जो हम पैसा दे रहे हैं, तो दो ऑप्शन, केवल जितना प्रिंसिपल पेमेंट है वो जाएगा कि ब्याज भी देना पड़ेगा वो जाएगा, यानी टोटल पेमेंट जाएगा. चाहे एक्स इंटरेस्ट कोटेशन हो बेटा चाहे कम इंटरेस्ट, ये जो सिखा रहा हूं ये दोनों फिट होगा. यानी एंट्री जो पूरी बनेगी वो बनेगी डिबेंचर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक टू प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर. डिबेंचर अकाउंट डेबिट नॉमिनल वैल्यू से, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट एक्सपायर्ड पीरियड के ब्याज से जो आपने कैलकुलेट किया, टू बैंक में टोटल पेमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट से, और टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर में जो आपने कैलकुलेट किया. ठीक है, एक बार जरा हम लोग कोशिश करते, मैं करूंगा एंट्री आप सिर्फ देखिएगा, कोशिश करते हैं इस 1 अप्रैल वाली एंट्री करने की वर्किंग नोट नंबर 1 की मदद से. मैं जरा बगल में करने की एक बार कोशिश कर रहा हूं एंट्री को. यानी तारीख रहेगी 1 अप्रैल 2022 को खरीद रहे हैं सर, और सर खरीदते ही कैंसिल कर रहे हैं. कैंसिल करने का मतलब है बेटा 10% डिबेंचर अकाउंट को डेबिट कर दो. और सर पहले आप एंट्री लिख दो, अमाउंट में हम लोग मदद करेंगे. ठीक है बेटा, 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट होगा, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट भी डेबिट होगा, टू बैंक होगा सर, टू बैंक होगा. ठीक है बेटा, और टू प्रॉफिट ऑन जो भी हमारा कैंसिलेशन या रिडेम्पशन वर्ड कुछ भी यूज कर सकते हैं आप, उसी के आगे लिख लीजिए. मेरे पास जगह कम है तो मैं नीचे लिख दे रहा हूं, टू प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, आप एक ही लाइन में लिख लीजिएगा मतलब. तो ये होगी एंट्री, बट अमाउंट के बिना एंट्री अधूरी. अमाउंट करते हैं, 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट में क्या चीज आने वाली है? 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट नॉमिनल वैल्यू. वर्किंग नोट आपके पास है, सारी फिगर्स का यूज होगा. बताइए नॉमिनल वैल्यू कितनी है? 50,000. तो 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट 50,000. डिबेंचर इंटरेस्ट बताओ 1250 ब्रोकन पीरियड का, ये भी आपने निकाला हुआ है. टू बैंक में नहीं समझ में आ रहा मेरे को, टू बैंक में 47,500 टोटल जितना पेमेंट कर रहे हैं ब्याज मिला के, 47,500 टू बैंक में, 47,500 टू प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर 3750. कुछ लोग इतना कैलकुलेशन नहीं सिखाते, कुछ लोग बहुत बढ़िया सिखाते हो, कहते हैं शॉर्टकट सीखो बैलेंसिंग फिगर निकाल लो. लेकिन मैंने आपको दोनों सिखा दिए कि अगर आपको लगता है नहीं इतना झंझट हम नहीं करेंगे, हमें कॉन्सेप्ट में क्या करना है जा करके, तो आप शॉर्टकट ले सकते हैं कि अपने को कॉन्सेप्ट से क्या लेना. बट ये शॉर्टकट कई बार धोखा दे सकता है आपको. कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो कैसी भी कोटेशन हो चाहे एक्स इंटरेस्ट चाहे कम इंटरेस्ट, आपको कोई हिला नहीं सकता. अब बिल्कुल आराम से उसे कहेंगे हमको दे दो हम सॉल्व कर देंगे. अब एक बार चेक कर लो एंट्री बैलेंस है भी कि नहीं, मतलब डेबिट का टोटल जो है और क्रेडिट का जो टोटल है वो मैच कर रहा है कि नहीं, चेक कर लो बैलेंस है ना.
तो अगर आप प्रॉफिट एग्जाम में आपको लगता है हम नहीं निकाल पाएंगे ऐसे, तो ठीक है बैलेंस शीट फिगर से आप निकाल लेना, ये बैलेंसिंग फिगर सर आपके लिए लिखा है मैंने, आप तो कैलकुलेशन पार्ट पूरा एग्जाम में दिखाई रहा हो वर्किंग नोट में। फर्स्ट अप्रैल 2022 को अपन ने ये एंट्री पास करी है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? वापिस एक मिनट ऊपर चलिए, ये जो तीन केसेस है इसमें से प्रॉफिट वाली एंट्री हो गई, इधर एक मिनट देख लीजिए, प्रॉफिट वाली पहली एंट्री मतलब हो गई डिबेंचर, डिबेंचर इंटरेस्ट डेबिट टू बैंक टू प्रॉफिट जो भी। ये जो सेकेंड एंट्री है ये क्या है? प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर टू कैपिटल रिजर्व। ये करते हैं साल के आखिरी में, रुक जाइएगा अभी करिएगा नहीं, साल के आखिरी में एक बार और भी तो खरीद रहे, फिर खरीद के जो टोटल प्रॉफिट होगा बाद में भेज देंगे कैपिटल रिजर्व में। और एक और एंट्री पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू डीआरएस, ये भी करेंगे साल के आखिरी में। इसके अलावा एक काम और भी करेंगे, डिबेंचर का जो ब्याज है वो भी पीएनएल में भेजेंगे, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, लेकिन वो भी साल के आखिरी में, ठीक है ना? तो अभी साल के आखिरी में करना बचा है, एक बार और खरीदना है। तो एक बार और खरीदने की डेट क्या दी हुई है? एक बार और जो खरीदना है, फर्स्ट अप्रैल को तो हो गया, फर्स्ट अक्टूबर, बट ना बट वापिस ऊपर चलो, क्वेश्चन में चलो। सर फर्स्ट अप्रैल का तो अपन ने खरीद लिया, हाँ बेटा। सर इसके बाद खरीदना है फर्स्ट अक्टूबर को, हाँ बेटा हमें दिख रहा है फर्स्ट अक्टूबर, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है अप्रैल से अक्टूबर के बीच में एक घटना और हुई होगी, ब्याज दिया गया होगा। कब दिया गया होगा? हाँ ये 30 जून भी तो पड़ी होगी, तो 30 जून को ब्याज देने की भी तो एंट्री करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन बोला है जनरलाइज क्वेश्चन, ये थोड़ा बोला है कि गिव जनरल एंट्री फॉर कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर ओनली, जनरलाइज में तो हमें सब करना पड़ेगा। तो 30 जून को ब्याज, अभी रुक जाओ पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं, 30 जून को कंपनी ब्याज देगी, 6-6 महीने का ब्याज देती है, कितने डिबेंचर्स पे ब्याज देगी 30 जून को? नंबर ऑफ डिबेंचर, तो नंबर, ब्याज का अमाउंट नहीं पूछ रहा हूं, केवल पहले नंबर। क्या पूरे 5000 डिबेंचर्स पे ब्याज देगी 30 जून को? क्या पूरे 4500 पे देगी? कैसे 4500? 500 डिबेंचर तो हम खरीद के कैंसिल कर चुके हैं, अब मार्केट में डिबेंचर बचे कितने हैं? 4500। क्या आप 4500 डिबेंचर पे 6 महीने का ब्याज निकाल सकते हैं? 22500, ओके, बाकी भी निकालो जरा। 4500 डिबेंचर पे 6 महीने का ब्याज इंटरेस्ट, 4500 डिबेंचर, नंबर ऑफ डिबेंचर सर 5000 क्यों नहीं लिए एक बार और समझा दो, 500 खरीद के कैंसिल कर चुके हैं ना सर, तो ये 600 भी तो हटाओ, नहीं 600 भी कहां कैंसिल किए, 600 तो बाद में कैंसिल होंगे, अभी तक तो 30 जून ये एंट्री होगी ना, 30 जून 22 को लिए कैलकुलेशन हो रहा है, तो ब्याज जो है आपका निकाल रहे हैं 4500 के डिबेंचर हैं, 4500 नंबर ऑफ डिबेंचर इंटू 100 इंटू 10% इंटू 6 महीना, ये 6 महीना समझ रहे हो, ये रहा होगा जनवरी से 1 जनवरी 22 से 30 जून का 6 महीना, कितना बता रहे हैं 22000। अच्छा ब्याज देने की एंट्री 30 जून 22 को करेंगे, क्या एंट्री करेंगे ब्याज देने की? डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक 22500, कर दो, लिख दो कॉपी में आप कर रहे हो ना, कर दो, यानी ये वर्किंग नोट क्या, आप जब 30 जून को करना ना तो आप अलग से वर्किंग नोट ना बनाना चाहते, आप लिखोगे ना डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, यहीं पे छोटा सा लिख देना कि भैया ये 4500 डिबेंचर इंटू 100 इंटू 10% इंटू 6 महीना, ऐसा एक छोटा सा लिख देना, और अगर टाइम हो तो वर्किंग नोट बना देना, सब कुछ टाइम के ऊपर होगा एग्जाम में। न्यू सिलेबस है आपका, ओल्ड सिलेबस है? न्यू, टाइम मिलेगा नहीं आपको, टाइम होगा नहीं, तो आप इतना यहां पे इसको लिख देंगे चलेगा। पहली दो एंट्री आप कर चुके हैं, पर मिला भी लीजिए, नरेशन आप लिखते जा रहे हैं, क्या बात है, सभी बच्चे बता रहे हैं 22500 का ब्याज, बहुत बढ़िया, सब सही बता रहे हैं। तो ये दो एंट्री हो गई, अब होने वाली एंट्री कौन सी डेट को होगी? जब एक बार और डिबेंचर खरीदा जा रहा है, फर्स्ट अक्टूबर 2022, आपको पता है, एक मिनट इधर देख लीजिए, फर्स्ट अक्टूबर 2022 को एंट्री तो यही होगी जो हुई थी 1 अप्रैल को, हाँ अमाउंट चेंज होगा, एंट्री तो यही रहेगी ना, 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक टू प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। अमाउंट क्या होगा उसकी चर्चा कर ले, फिर एंट्री आप बनाना। अमाउंट क्या होगा, जैसे हम करेंगे ना एंट्री करेंगे 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट,
अमाउंट कितना होगा देख के बताओ वर्किंग नोट से 60,000 नॉमिनल वैल्यू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट देख के बताओ 1500 से टू बैंक 555,000 55,500 जो टोटल पेमेंट है ब्याज मिला के और टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर 6,000 कर दो एंट्री करो तीसरी एंट्री करो ये रही तीसरी एंट्री जो 1 अक्टूबर को होने वाली है बना पा रहे हैं एंट्री की करवाने यही है जो लिखी हुई है अमाउंट भर पा रहे हैं 10% डिबेंचर अकाउंट नॉमिनल वैल्यू 60,000 डिबेंचर इंटरेस्ट आपने ब्रोकन पीरियड का खुद ही बताया था 1500 टू बैंक में जो आपने टोटल पेमेंट निकाला था इंक्लूडिंग इंटरेस्ट वो और टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर भी आपने 6,000 निकाला था नहीं तो आप एग्जाम में ना निकाल पाए तो बैलेंसिंग फिगर से भी कर दीजिएगा ऐसी कोई बात नहीं है वापस चलें क्वेश्चन में ओके अब देखो अभी काम पूरा नहीं हुआ है अभी ना साल के आखिरी में कुछ एंट्रीज करनी बची हैं उसके अलावा एक बार ब्याज और देना बचा है कब देंगे ब्याज 31 दिसंबर को हम ब्याज देंगे तो हम लोग का अच्छा इस क्वेश्चन में ना इसने कहा कि 1 अप्रैल को इन्होंने खरीदा और 30 जून और 31 दिसंबर को ब्याज दे रहे हैं तो अपन 31 दिसंबर को एक बार ब्याज देंगे उसके बाद क्लोजिंग के एंट्रीज करेंगे तो बुक्स क्लोज करने की जो ये 3-4 एंट्री हैं आप चाहें तो ये अज्यूम कर सकते हैं कि 31 दिसंबर को ही बुक्स क्लोज हुई हैं आप चाहें तो अज्यूम कर सकते हैं 31 मार्च को ही एंट्रीज वही रहेंगी पहले तो दिसंबर की एंट्री अपने को ब्याज की करनी 31 दिसंबर को आप जब ब्याज दोगे तो कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स पे दोगे 3900 कैसे निकलेगा सभी बताओ 39 अच्छा दो हट चुके हैं बिल्कुल एक 500 डिबेंचर भी खत्म हो चुके हैं और एक 600 डिबेंचर वाले भी हमने खरीद के कैंसिल कर चुके हैं तो 5000 नंबर ऑफ डिबेंचर्स पहले हुआ करते थे जिसमें से 500 भी माइनस हो गए 600 भी माइनस हो गए यानी 3900 बच्चे कह रहे हैं बच्चे 3900 डिबेंचर्स पे 6 महीने का ब्याज जरा निकालो कितना 19,500 बिल्कुल सब लोग सही बता रहे हैं 3900 सबको समझ में आ गया ठीक है तो अब ब्याज निकालो 3900 इंटू 100 इंटू 10% इंटू 6 महीना 3900 इंटू 100 इंटू 10% इंटू 6 महीना 19,500 यहां तक कर लीजिएगा तो बताइएगा अब कुछ आखिरी में साल के आखिरी में एंट्रीज होनी है जो आपने बेसिकली यहां पे सीखे थे ये साल के आखिरी में देखो कुछ एंट्रीज ये प्रॉफिट वाला केस देखो साल के आखिरी में एक एंट्री तो होनी है प्रॉफिट अभी करेंगे साथ में करेंगे पहले पढ़ लेते हैं प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर टू कैपिटल रिजर्व एक एंट्री होनी पीएनएल अप्रोविजन टू डीआरआर और एक और होनी है इंटरेस्ट को पीएनएल में भेजने की तो पहले इंटरेस्ट को ही भेज देंगे भूल ना जाए पीएनएल भेजने की एंट्री क्या होगी अच्छा कौन सा ब्याज भेजें मतलब सारे अभी तक कितनी बार डिबेंचर का इंटरेस्ट दिया है कितनी बार डेबिट हुआ है 4 बार डेबिट हुआ आप देखिए जितनी एंट्रीज आपने करी है जहां जहां डिबेंचर का इंटरेस्ट डेबिट हुआ उन सबका टोटल करो जरा आपने जो जनरल एंट्रीज करी है उनका टोटल करो डिबेंचर के इंटरेस्ट का 44,750 तो साल के आखिरी में एक एंट्री पास करिए पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट सर ये अमाउंट कैसे आया नहीं आ रहा अरे मैं बता देता हूं बेटा
डिबेंचर का इंटरेस्ट एक हुआ था डेबिट सबसे पहले 1250 का, फिर उसके बाद हुआ था 22,500 का, फिर उसके बाद हुआ था 1500 का, फिर उसके बाद हुआ था 19,500 का। आप चेक करो इसका टोटल ये 1250, 22500, 1500, 19500, तो ये पूरा ब्याज साल के आखिरी में अपन भेज देंगे पीएनएल में से, पीएनएल से मतलब राइट ऑफ कर देंगे, पीएनएल में भेज देंगे, पीएनएल टू डिबेंचर इंटरेस्ट। कौन सी रेट को होगी साल के आखिरी में, 31 दिसंबर को अगर आप मान रहे हैं क्लोज करें तो 31 दिसंबर, मार्च में आप मान रहे हैं क्लोज करें तो ये 31 मार्च, एंट्रीज यही रहेंगे। ये सब साल के लास्ट में करते हैं, अगर बीच बीच में करते हैं ना तो बहुत सारी एंट्री करनी पड़ जाती है, 4 बार एंट्री करनी पड़ती है, तो इसलिए साल के आखिरी में ही बेटर रहता है करना, साल के आखिरी में ही किया जाता है। अब प्रॉफिट को भेज दें कैपिटलाइजर में, प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटलाइजर, कौन से प्रॉफिट को भेजे, 2 बार खरीदने पे प्रॉफिट हुआ, दोनों को भेजे, दोनों को, एक बार पहली बार कितना प्रॉफिट हुआ था 3750 और दूसरी बार में 6000, टोटल 9750, यानी 31 दिसंबर को एक और एंट्री प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर, या आपने क्या खोला था ऊपर, रिडेम्पशन खोला था, वर्ड क्या यूज किया था, जो भी यूज किया अगर कैंसिलेशन यूज किया था आपने ऊपर वाली एंट्री में तो कैंसिलेशन यूज करिएगा, प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन यूज किया तो रिडेम्पशन, मतलब एक ही क्वेश्चन में ऐसा ना करना कि कहीं पे प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर है, कहीं पे प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर है, जो भी एक चीज, तो आपने अगर प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर किया तो इसी को कर लीजिए प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, और ये फिगर कैसे आई आप सब समझ चुके हैं, 2 बार प्रॉफिट हुआ है 3750 का प्लस 6000 का। साल के आखिरी में जितनी नॉमिनल वैल्यू के आपने डिबेंचर्स खरीद करके कैंसिल कर दिए उतनी नॉमिनल वैल्यू के बराबर आप भेज देंगे पीएनएल अप्रोप्रिएशन से डीआरआर में। कितनी नॉमिनल वैल्यू के खरीद के कैंसिल कर दिए, एक बार खरीदे थे आपने 50,000 की नॉमिनल वैल्यू के सबसे पहले, और एक बार 60,000 के, 50,000 और 60,000 110,000, तो इन्होंने सरप्लस अकाउंट यूज किया है। आप चाहें तो बोल तो रहा नहीं था सरप्लस, हम कौन सा यूज कर सकते हैं, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट कर सकते हैं। और कैसे आया ये अमाउंट, 50,000 की नॉमिनल वैल्यू का एक बार खरीदा, 60,000 की नॉमिनल वैल्यू का एक बार खरीदा, 2 DRR, 110,000, अब जाकर के क्वेश्चन पूरी तरीके से खत्म हो गया। अगर नंबर ऑफ एंट्रीज गिने तो कितनी हुई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 एंट्रीज। अच्छा लगेगा अगर इस क्वेश्चन को हम लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर ले। ओल्ड सिलेबस वालों से वो टुकड़े में चीजें पूछ सकता है, मान लो उसने इन्हीं क्वेश्चन में छोटा सा कुछ पूछ लिया कि आप बता दो प्रॉफिट कितना होगा कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर पे, ऐसे पूछ सकता है, या ब्रोकन पीरियड का ब्याज पूछ सकता है, कुछ भी इस तरीके से पूछ सकता है, तो आपको उतना कैलकुलेशन पार्ट आप कर लें क्योंकि आपने सभी कुछ सीख लिया, या फिर ये पूछ सकता है कि साल के आखिरी में कितना डिवेंचर का इंटरेस्ट पीएनएल में ट्रांसफर होगा, तो फिर आपको सारे ब्याज निकाल के उसको बताना पड़ेगा कि 44750 तो अमाउंट पूछ सकता है, बट कैलकुलेशन पार्ट अगर आपको आता है तो जो पूछेगा वो आप कर लेंगे, देख के करिएगा क्या चीज पूछ रहा है ओल्ड सिलेबस में, और न्यू सिलेबस वालों को तो ये तो पूरा हो ही गया, या ओल्ड सिलेबस में कोई एक एंट्री पूछ सकता है, कुछ भी कर सकता है। ठीक है, इसको प्रैक्टिस करिएगा घर पे, कितनी बार करेंगे, 5 में कुछ नहीं होगा आपका, 10 बार प्रैक्टिस करिएगा अगर आपको एग्जाम में करना है तो, मैं आपकी जगह होता तो मैं 10 बार प्रैक्टिस करता, तो अगर आपको वाकई एग्जाम में करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना सेम क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, और सेम क्वेश्चन आने पर भी अगर आप नहीं करके आए तो आपसे बड़ा डैश कोई नहीं, और डैश में आप अपने हिसाब से भर लीजिएगा, हाँ जो अच्छा वर्ड लगे आपको, है ना, समझदार, पागल, जो आपको अच्छा लगे, शैतान, वो भर सकते हैं, गलत बोल रहे हैं, बताओ सेम, अगर टफ पेपर आया तब तो समझ में आता है, सेम क्वेश्चन आ गया और हम लोग तब भी ना कर पाए, क्योंकि यहां तो मैं आपको याद दिलाता जा रहा था कि इसके बाद फिर ये होगा, इसके बाद ये होगा, वहां पर आपको करना होगा और सीक्वेंस के साथ करना होगा, तो उसके लिए 10 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो सेम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे, सेम आ गया तो भी आप कर लेंगे, अगर फिगर चेंज हो गई तो भी तो कर ही लेंगे, हम लोगों ने कॉन्सेप्ट वाइज किया, हमने कौन सा रटा है बैठ करके। ठीक है, वापस चलते ऊपर,
आप लोग डैश में बड़ा गंदा गंदा भर रहे थे, ऐसे हम आपके चेहरे से लगा। हम तो आपसे कह रहे थे ना समझदार, है ना, वो भरना था। खैर वापस चलिए, इमीडिएट कैंसिलेशन सीख रहे थे और इमीडिएट कैंसिलेशन में हम लोगों ने एंट्री सीखी कि अगर सिंकिंग फंड एग्जिस्ट नहीं करता है तो क्या होगा। अब सीखने जा रहे हैं अगर सिंकिंग फंड एग्जिस्ट करता है तो क्या होगा। और सिंकिंग फंड का मतलब मैंने आपको लास्ट टर्म पे समझाया था कि सिंकिंग फंड का मतलब है कि कंपनी पहले से ही थोड़ा थोड़ा पैसा कहीं पे इन्वेस्ट करती जा रही है कि कल को जब डिबेंचर वाले आएंगे बरात लेके, यानी अपने रिडेम्पशन के टाइम पे आएंगे, तो हम वो इन्वेस्टमेंट बेच के उनका पैसा चुका देंगे। यानी जब सिंकिंग फंड एग्जिस्ट करता है तो नंबर ऑफ एंट्री में एक एंट्री और इंक्रीज हो जाती है। सबसे पहले आपने जो इन्वेस्टमेंट करी हुई होती है उस इन्वेस्टमेंट को बेचना पड़ता है। सिंकिंग फंड जो होता है ना, इसका एक और नाम होता है, इसको हम लोग डिबेंचर रिडेम्पशन फंड भी बोलते हैं। क्या मतलब सर, मैं आपको समझाता हूं, थोड़ा सा सुनिएगा। सिंकिंग फंड बोलो या डिबेंचर रिडेम्पशन फंड बोलो, ये दोनों एक ही बात होती है। सिंकिंग फंड बोल सकते हैं या ओल्ड सिलेबस वाले खास तौर पे ध्यान दें, क्योंकि हो सकता है जो एंट्री हो उसमें सिंकिंग फंड वर्ड यूज हो, या हो सकता है डिबेंचर रिडेम्पशन फंड हो, तो दोनों सही है। और न्यू सिलेबस वाले जो मन है वो एक वर्ड करेंगे फिर, लेकिन सारी एंट्रीज में वो यूज करेंगे। ये होता है सिंकिंग फंड या डिबेंचर रिडेम्पशन फंड। इसको जब कहीं पे हम लोग ना इन्वेस्टमेंट करते हैं, कहीं पे हम लोग जब इन्वेस्टमेंट करते हैं, एफडीएफडी करते हैं, तो नॉर्मल कोर्स में हम लोग छोटे में ना इन्वेस्टमेंट जब करते थे तो इन्वेस्टमेंट वर्ड यूज करते थे। क्या यूज करते थे, जैसे कहीं पे एफडी कराई, इन्वेस्टमेंट करी, तो नॉर्मल कोर्स में जब एफडी कराते थे, इन्वेस्टमेंट करते थे, तो हम लोग एंट्री करा करते थे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। इन्वेस्टमेंट करते थे इन्वेस्टमेंट डेबिट टू बैंक। लेकिन इसको ना हम इन्वेस्टमेंट वर्ड केवल नहीं बोलते, इसको हम थोड़ा प्यार से भरा नाम देते हैं, इसको हम बोलते हैं सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। कौन सी इन्वेस्टमेंट, या फिर डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट, SFI या DRFI। SFI का फुल फॉर्म, एग्जाम में फुल फॉर्म ही पूरा लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखेंगे। तो SFI का फुल फॉर्म सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, DRFI का फुल फॉर्म डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट। अब सुनिए, मैं आपको समझाता चल रहा हूं, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन में अगर सिंकिंग फंड एग्जिस्ट करता है और आप निकल पड़े हैं डिबेंचर को रिडीम करने के लिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपने जो सिंकिंग फंड की इन्वेस्टमेंट करी हुई है उसको बेचना पड़ेगा, उसे पैसा लाना पड़ेगा। सिंकिंग फंड की इन्वेस्टमेंट जब बेचेंगे, देखो जब भी कोई भी इन्वेस्टमेंट होती है उसकी एंट्री होती है इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। ऐसे ही जब भी सिंकिंग फंड की इन्वेस्टमेंट की एंट्री हुई होगी, तब हुई होगी DRFI टू बैंक। आप DRFI भी यूज कर सकते हैं और SFI भी यूज कर सकते हैं, उस समय यह हुई होगी। आज जब बेचेंगे, हमें तो इन्वेस्टमेंट करने की एंट्री नहीं पूछ रहा, हमसे तो कह रहा है बेचो। आज जब बेचेंगे तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू DRFI, बैंक अकाउंट डेबिट टू DRFI। मैं लिख रहा हूं, आप सिर्फ देखते रहिएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, आज जब बेचेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट पैसा आएगा टू DRFI। इन्वेस्टमेंट बेचा है, DRFI का फुल फॉर्म क्या है, डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट। आपको कौन सा वर्ड अच्छा लग रहा है, DRFI SFI, जो आप बोलो मैं भी यूज कर लेता हूं। DRFI ठीक है, तो DRFI, DRF अलग होता है, DRFI अलग होता है। DRF एक तरीके का रिजर्व होता है जो हम प्रॉफिट से निकालते हैं, या हम इन्वेस्टमेंट बेच रहे हैं, तो DRF नहीं लिखा है, क्या लिखा है, DRFI। अच्छा अब सुनना, हमने ना इन्वेस्टमेंट अभी तक कराई होंगी जिसको हम बेच रहे हैं। मान लो अभी तक हमने जो इन्वेस्टमेंट कराई उसकी कॉस्ट थी 1 लाख रुपीज की। कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट करी थी, 1 लाख। आज जब हम उसको बेच रहे हैं तो कितने की बिकी भाई, हो सकता है कि आज बेचते समय वो बिकी हो, सेल प्राइस जो उसका रहा हो सकता है कि वो 1 ही लाख की बिक गई हो। आज बेची और इन्वेस्टमेंट कितने की बिक गई, 1 लाख, या हो सकता है कि वो 1 लाख से ज्यादा की बिक गई हो, या हो सकता है कि वो 1 लाख से कम की बिकी हो, डिपेंडिंग कि आपने इन्वेस्टमेंट कहां करी थी। हो सकता है आपने इन्वेस्टमेंट में मार्केट में पैसा लगाया हुआ था, मार्केट थोड़ा कम चल रहा है, तो हो सकता है 95,000 मिले, या हो सकता है ज्यादा चल रहा है 1,10,000, या उतना ही चल रहा है तो 1 लाख। अगर इन्वेस्टमेंट 1 ही लाख की बिकती, यानी जितने की कॉस्ट थी उतने की बिकती, यानी पहली सिचुएशन है जहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस, तो आप एंट्री बड़े आराम से कर लेंगे, 1 लाख बैंक अकाउंट डेबिट, 1 लाख टू DRFI, 1 लाख। दूसरा केस सुनना ध्यान से, ध्यान से समझना दूसरा केस।
जहां पे आपको ये प्रॉफिट हुआ है कंपनी को कि लॉस हुआ है? प्रॉफिट हुआ है, 1,00,000 की इन्वेस्टमेंट करी थी, बिक गई 1,10,000 की, 10,000 का प्रॉफिट है। लेकिन ये प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट पे डिबेंचर की रिडेम्पशन वाला प्रॉफिट नहीं, वो अलग होता है। वो तो होता है कितने में डिबेंचर खरीद के लाए, ये तो काहे का प्रॉफिट है, इन्वेस्टमेंट का। अब सुनना, बैंक अकाउंट डेबिट आज जितने रुपए मिले 1,10,000 टू DRFI, जितने की इन्वेस्टमेंट थी 1,00,000 टू कहां भेजे? जब आप छोटे थे आपने कभी इन्वेस्टमेंट बेचने के, अगर एंट्री करी हो तो आपको सिखाई क्या गई होगी वो सुनना, आपको सिखाई गई होगी बैंक अकाउंट डेबिट जैसे 1,10,000 टू इन्वेस्टमेंट, तब तो DRF का कोई मतलब नहीं था, DRFI का, तो टू इन्वेस्टमेंट 1,00,000 मतलब बैंक अकाउंट डेबिट 1,10,000 टू इन्वेस्टमेंट 1,00,000 और टू PNL 10,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट करते थे, यही करते थे। बट जब हम लोग सिंकिंग फंड बनाते हैं तो हम लोग PNL वर्ड यूज ना करके हर जगह सिंकिंग फंड यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे वर्ड? सिंकिंग फंड या डिबेंचर रिडेम्पशन फंड, एनी वर्ड, या तो SF या DRF, SFI नहीं बोल रहा हूं, SF या DRF, मतलब टू प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होगा, टू DRF होगा या टू SF होगा। कितने रुपए? 10,000। यानी एंट्री वही है जो छोटे में करते थे, बट होता क्या है यहां पे एक सेपरेट हम डिबेंचर के नाम से रिजर्व बना रहे होते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस भी तो एक तरीके से रिजर्व एंड सरप्लस का ही पार्ट है, बट डिबेंचर के लिए रिजर्व बना रहे होते हैं, इसलिए सब कुछ उसी में बेचते रहते हैं ताकि पता चल जाए क्या हुआ, फायदा हुआ नुकसान हुआ, आखिरी में देखना आसान हो जाए। यानी हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू DRFI टू DRF, और सर अगर लॉस हो गया तो क्या करोगे? लॉस हो गया यानी तीसरा केस। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यानी अगर लॉस हुआ है तो अपन बैंक अकाउंट डेबिट आज जितने रुपए मिले, कितने मिले, केस 3 हमारा जो था कितने मिले 95,000, और थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूं टू DRFI, थोड़ा नीचे गैप दिया है मैंने जानबूझ के भी, टू DRFI में नॉमिनल वैल्यू मतलब नॉमिनल क्या कॉस्ट जो थी आपकी 1,00,000 लॉस हुआ। छोटे जब थे तो हम लोग करा करते थे PNL अकाउंट डेबिट, 5,000 का नुकसान यही करते थे, बट यहां PNL नहीं आएगा तो क्या आएगा? DRF। तो इन शॉर्ट हम ऐसे समझ सकते हैं, इन्वेस्टमेंट बेचने की एंट्री बड़ी सिंपल है, बैंक अकाउंट डेबिट टू DRFI। बेचते समय अगर प्रॉफिट हो गया तो DRF क्रेडिट हो जाएगा, बेचते समय अगर लॉस हो गया तो DRF डेबिट हो जाएगा। बेचने की इन्वेस्टमेंट की एंट्री बैंक टू DRFI, ना ही प्रॉफिट ना ही लॉस, तो बात खत्म, बैंक टू DRFI। प्रॉफिट हुआ तो टू DRF और हो जाएगा, यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू DRFI टू DRF। लॉस हुआ तो DRF डेबिट हो जाएगा, जैसे PNL डेबिट होता है वैसे ही DRF डेबिट हो जाएगा लॉस हुआ तो बैंक अकाउंट डेबिट DRF अकाउंट डेबिट टू DRFI। इतनी बात आप समझ पाए? इसके बाद तो पता है अब आप डिबेंचर को मार्केट से खरीदने के लिए तैयार हैं, एक मिनट सुन लेना, डिबेंचर को खरीदने के लिए तैयार है, और जो केसेस हमने पढ़े थे जब सिंकिंग फंड एग्जिस्ट नहीं करता था उसी के हिसाब से अगर हम एंट्री को सीखें, एक तो एक्स्ट्रा एंट्री हमने करेंगे ही शुरुआत में तीनों ही केसेस में, ये जो तीन आपको इस समय दिख रहे हैं तीनों ही में इन्वेस्टमेंट बेचने की एंट्री तो करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू DRFI, और प्रॉफिट बिकेगी तो टू DRF, लॉस बिकेगी तो DRF डेबिट होगा, ठीक है ना। उसके अलावा फिर जब डिबेंचर खरीदेंगे, कैंसिल कर रहे हैं खरीदते ही, तो या तो डिबेंचर खरीदते ही कैंसिल कर रहे हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, या प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ये कौन से प्रॉफिट लॉस की बात कर रहे हैं? डिबेंचर नहीं, नहीं डिबेंचर वाले पे, एक तो इन्वेस्टमेंट वाले की बात खत्म, या इन्वेस्टमेंट बेचने पे जो प्रॉफिट या लॉस हुआ वो एक अलग है, ये डिबेंचर खरीद के कैंसिल करने पे प्रॉफिट भी हो सकता है, या अब उसकी बात करें तो समझते हैं जरा। जब सिंकिंग फंड एग्जिस्ट करता है नो प्रॉफिट नो लॉस में, यहां पहली एंट्री क्या दिख रही है आपको? ये जो एंट्री दिख रही है डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, यही एंट्री वहां पे भी होगी, कोई अंतर नहीं होगा। अच्छा, प्रॉफिट में पहली एंट्री क्या दिख रही है? डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक टू प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, यही एंट्री वहां पे भी होगी, कोई अंतर नहीं होगा। और लॉस में आपको पहली एंट्री क्या दिख रही है? डिबेंचर अकाउंट डेबिट लॉस ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, यही एंट्री वहां पे भी होगी, इसमें कोई अंतर नहीं होगा। अब आते हैं दूसरी एंट्री,
जब नो प्रॉफिट नो लॉस था, नो प्रॉफिट नो लॉस था, तो हम साल के आखिरी में एक एंट्री जब सिंकिंग फंड एग्जिस्ट नहीं करता था तो क्या कर रहे थे, देख के बताओ, पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू डीआरआर। बट यहां पे क्या होता है ना, जब सिंकिंग फंड एग्जिस्ट करता है तो ये एंट्री नहीं होती, पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू डीआरआर एंट्री नहीं होती। तो सर फिर क्या होती है, इसकी जगह पे डीआरएफ टू जनरल रिजर्व एक एंट्री होगी। तीनों ही केसेस में, ये जो आखिरी की एंट्री है ना, ये जो आखिरी की एंट्री है, जब सिंकिंग फंड एग्जिस्ट करेगा तो ये एंट्री नहीं होगी, इसकी जगह होगी डीआरएफ डेबिट। डीआरएफ एक रिजर्व हम बना रहे थे, जब डिबेंचर हमने खरीद के कैंसिल कर दिए तो जितनी नॉमिनल वैल्यू के खरीद के कैंसिल कर दिए उसका डीआरएफ फिर चाहिए नहीं, तो डीआरएफ डेबिट, और उसका पैसा भेज देते हैं जनरल रिजर्व, यानी इसकी जगह क्या एंट्री हो जाएगी, डीआरएफ डेबिट। अभी पढ़ाऊंगा, अभी डीआरएफ डेबिट टू जनरल रिजर्व। अब आओ जरा प्रॉफिट के केस में, प्रॉफिट में पहली एंट्री तो कॉमन रहेगी, डिबेंचर डेबिट टू बैंक टू प्रॉफिट और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। दूसरी एंट्री जब सिंकिंग फंड एग्जिस्ट नहीं करता था तो क्या दिख रही है आपको प्रॉफिट के केस में, प्रॉफिट को आपने भेजा था कैपिटल रिजर्व, यानी प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर टू कैपिटल रिजर्व। लेकिन 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 जब सिंकिंग फंड एग्जिस्ट करता है तो चाहे पीएनएल हो, पीएनएल नहीं आके डीआरएफ आता है, चाहे कैपिटल रिजर्व हो, कैपिटल रिजर्व नहीं आके डीआरएफ, सब कुछ कहां से रूट होता है, डीआरएफ के थ्रू। यानी सेकेंड एंट्री होगी प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डीआरएफ। सेम केस लॉस में आइए, लॉस में जो पहली एंट्री थी वो वही रहेगी जो आपको दिख रही है। दूसरी एंट्री जो यहां थी जब सिंकिंग फंड एग्जिस्ट नहीं करता था तो आप कह रहे थे सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, आप कह रहे थे जब एग्जिस्ट नहीं करता था तब जो आपने किया था ये सामने, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट या कैपिटल रिजर्व डेबिट या प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट या जनरल रिजर्व डेबिट टू लॉस ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर या लॉस ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। बट जब सिंकिंग फंड एग्जिस्ट करता है तो हम ये सिक्योरिटी प्रीमियम, पीएनएल, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व ये सब डेबिट नहीं करते, डीआरएफ डेबिट टू लॉस ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, हम लोगों ने लिखा कुछ नहीं कहीं पे, लेकिन ना लिखे भी आपने लिख लिया है दिमाग में, जो चीज दिमाग में लिख ली वो हमेशा के लिए हो गई। सबसे पहला काम सिंकिंग फंड जब एग्जिस्ट करता होगा तो सबसे पहला काम इनमें से कोई एंट्री नहीं होगी, सबसे पहला काम इन्वेस्टमेंट बेचने की एंट्री होगी। इन्वेस्टमेंट बेचने की एंट्री बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट पैसा आया टू क्या चीज बेच रहे, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का नाम क्या था सुंदर सा, डीआरएफआई। फुल फॉर्म कोई पूछ ले, और एंट्री एग्जाम में न्यू सिलेबस वाले फुल फॉर्म में ही करेंगे, शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज करना, ये तो शॉर्ट फॉर्म सिर्फ याद करने के लिए आपको सिखा रहे हैं। फुल फॉर्म लिख लोगे ना तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू डीआरएफआई, ठीक है। और अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट पे भी की तो टू डीआरएफ, और लॉस पे भी की तो डीआरएफ डेबिट, लॉस पे की तो डीआरएफ डेबिट। उसके बाद फिर अब आप डिबेंचर को खरीद लेना, डिबेंचर को खरीदोगे तो या तो नो प्रॉफिट नो लॉस, तो डिबेंचर टू बैंक, प्रॉफिट तो डिबेंचर टू बैंक टू प्रॉफिट, आगे लिखा लेना ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर। लॉस पे अगर खरीदोगे तो डिबेंचर डेबिट, लॉस डेबिट टू बैंक। उसके बाद आप देखना अगर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ खरीदने पे तो उसको भेजना डीआरएफ में, यहां भेजते थे प्रॉफिट को कैपिटल रिजर्व में, वहां राइट ऑफ कर रहे थे लॉस को सिक्योरिटी प्रीमियम में या कैपिटल रिजर्व से या प्रॉफिट, ये सब कुछ नहीं, कोई झंझट नहीं, सिर्फ डीआरएफ से। यानी अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डीआरएफ, लॉस हुआ तो डीआरएफ अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर। और इसमें तीनों ही केसेस में जब हम एंट्री करते थे आखिरी में, तो हम आखिरी में जब सिंकिंग फंड एग्जिस्ट नहीं करता था तो हम करते थे पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू डीआरएफ, बट यहां पे जब सिंकिंग फंड एग्जिस्ट करता है तो हम ये एंट्री ना करके बल्कि डीआरएफ जो हमने बनाया था उसको खत्म करते हैं। तो उसकी एंट्री हम करते हैं डीआरएफ अकाउंट डेबिट, खत्म किया, उसको कहां भेजें, टू जनरल रिजर्व में हम भेज देते हैं। आप चाहें तो ये टॉपिक स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आने के चांसेस पूरे पूरे हैं। हाँ, इसके पिछले अगर बिल्कुल ही लग रहा है कि नहीं सब खिचड़ी पक जाएगी, हम नहीं कर पाएंगे, हमसे ना हो पाएगा भैया, तो आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अपने ऊपर थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस है कि नहीं हम कर लेंगे, प्रैक्टिस कर करके हम लोग कर सकते हैं, हम भी किसी से कम नहीं, हमारे पास भी होगा, ने दिमाग दिया है, तो फिर कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करें, स्किप कर दें कि एक बार पढ़ लें, एक बार और पढ़ लेते हैं, फिर आपकी अपनी चॉइस है। देखिए आओ एक बार पढ़ते हैं, जब सिंकिंग फंड एग्जिस्ट करता है सबसे पहले इन्वेस्टमेंट बेचेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डी आर एफ आई, ठीक है। आपको नोट पढ़ो, देखो आपको समझ आता है क्या, नोट क्या लिखा है, अगर बेचने पे प्रॉफिट हुआ तो डीआरएफ क्रेडिट होगा,
आपको चाहिए तो अपनी भाषा में लिख लो, हिंदी में। बेचने में अगर प्रॉफिट हुआ तो डीआरएफ क्रेडिट होगा, और बेचने में लॉस हुआ तो डीआरएफ डेबिट होगा। डीआरएफ बोल रहा हूं है ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरएफआई, वो तो हो ही रहा है। उसके अलावा डीआरएफ जो है वो पीएनएल की जगह आ जाता है, तो डीआरएफ या तो प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट होगा, लॉस हुआ तो डीआरएफ डेबिट होगा। अब मार्केट से जाके क्या खरीदोगे डिबेंचर, तो या तो नो प्रॉफिट नो लॉस पे खरीदोगे, या प्रॉफिट पे या लॉस पे। ये एंट्री बता सकता है कि इस पे होगी, या बता सकते हो नो प्रॉफिट नो लॉस की है, नो प्रॉफिट नो लॉस पे डिबेंचर टू बैंक। प्रॉफिट पे खरीद के लाओगे तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक टू प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। यहां तक समझ गए? लॉस पे खरीदोगे तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट लॉस ऑन कैंसिलेशन या रिडेम्पशन, कोई एक चीज यूज कर लेना एग्जाम में, टू बैंक। और ये जो भी प्रॉफिट हुआ, ये प्रॉफिट कहां भेज दोगे? डीआरएफ में। डीआरएफ का एक और नाम सिंकिंग फंड, तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर टू सिंकिंग फंड, या आप चाहें और डीआरएफ करके लिख लीजिए, टू डीआरएफ। कोई भी एक नाम पूरे क्वेश्चन में यूज करिएगा, ऐसा नहीं कि किसी एंट्री में डीआरएफ यूज किया, किसी में एसएफ यूज किया, कोई भी एक। अगर सिंकिंग फंड करिएगा तो हर जगह सिंकिंग फंड सिंकिंग फंड सिंकिंग फंड, और इन्वेस्टमेंट भी सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। डीआरएफ करिएगा तो डीआरएफ 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 यानी डिबेंचर रिडेम्पशन फंड, और इन्वेस्टमेंट की जब बात है तो डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट। कोई भी एक जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। सर लॉस होगा तो एंट्री सिंकिंग फंड डेबिट टू लॉस, सिंकिंग फंड डेबिट कर लो या डीआरएफ डेबिट कर लो टू लॉस ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर। मतलब ये दूसरी एंट्री है, यहां लाइन खींच रहा हूं, ऐसे लिखी है बुक में छपी ऐसी है कि बच्चे को देख के लगेगा ये पूरी एक एंट्री है। लॉस वाली ये ऊपर वाली अलग है, डिबेंचर डेबिट लॉस ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर डेबिट टू बैंक, ये अलग है। और उसके बाद ये एंट्री होगी इस लॉस को राइट ऑफ करने की, डीआरएफ टू लॉस ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर। और साल के आखिरी में डीआरएफ का काम अब खत्म हो चुका होगा, उसको कहां भेज दोगे? जनरल रिजर्व में। तो एंट्री हो जाएगी डीआरएफ टू जनरल रिजर्व। कौन से केस में होगी? जब प्रॉफिट पे खरीदा कि लॉस पे खरीदा, कि ना प्रॉफिट ना लॉस पे, कौन से पे? तीनों ही सिचुएशन में ये एंट्री होगी डीआरएफ टू जनरल रिजर्व, जितनी नॉमिनल वैल्यू के डिबेंचर आपने खरीद करके कैंसिल कर दिए। एक बार और रिवाइज करें कि हो गया, आप बताओ जैसा है कर लें कि कर लेंगे, हम समझ में नहीं आया। आप लोग कर लेंगे पक्का? आ गया समझ में है? स्किप करना है तो स्किप कर सकते हैं, किसी को करना हो तो कर सकते हैं, कोई गलत बात नहीं उसमें। जिंदगी में बहुत कुछ नहीं समझ में आता, आपको समझ में आ गया? नहीं स्किप करना है पक्का? कर लेंगे एग्जाम में आएगा तो, और अगर एग्जाम में आए तो भी स्किप करना चाहें तो भी कर सकते हैं। एक चीज और, एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन में जरूरत से ज्यादा टाइम मत लगाना। अगर कोई क्वेश्चन अटक रहा हो, न्यू सिलेबस वाले खास तौर पे बार बार बोल रहा हूं, पेपर बहुत लेंथी मिलेगा आपको, पेपर देखते ही आपके पसीने छूट जाएंगे, चांसेस हैं आप 30-40 नंबर का छोड़ के आएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, जैसे ही आपने पेपर छोड़ दिया आपके पास होने के चांसेस कम हो गए। पास वही बच्चा होगा जो उतने टाइम के अंदर पूरा 100 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करने की क्षमता रखता होगा। स्पीड चाहिए, और स्पीड के लिए प्रैक्टिस चाहिए, और प्रैक्टिस अभी हो सकती है। एग्जामिनेशन हॉल प्रैक्टिस का मैदान नहीं है, वहां फाइनल एग्जाम है, प्रैक्टिस मैच पहले खेला जाता है ना। नेट पे प्रैक्टिस अभी आप घर पे कर सकते हैं, उसके बाद जब आपके सामने पाकिस्तान की टीम आ जाएगी तब क्रिकेट खेलेंगे, तब उस समय प्रैक्टिस नहीं होती, तब पूरी इंडिया पूरा पाकिस्तान सब आपको ध्यान से देख रहा होता है। तो प्रैक्टिस अभी आप घर पे कर सकते हैं, प्रैक्टिस करेंगे स्पीड आ जाएगी, जब स्पीड आ जाएगी एग्जाम में आपका पेपर छूटने के चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे। मैं आपको देखो इतने टाइम से पढ़ा रहा हूं, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, आप सबके अंदर स्पीड की बहुत प्रॉब्लम है। मेरे को जो सबसे भयानक डर है न्यू सिलेबस में, वो इस बात का डर नहीं है कि आपको पेपर आता होगा कि नहीं आता होगा, मेरे को डर इस बात का है कि पेपर आता हुआ भी, देखो जो प्रैक्टिस ही नहीं करके जा रहा उसको तो नहीं आता, उसके लिए कोई डर नहीं। जो प्रैक्टिस नहीं करने जा रहा, नहीं करके जा रहा, वो आराम से जाता है और एक आधे घंटे में निकल भी आता है, चार पांच लोगों को ताकता है, दिमाग में नोट कर रहा होता, अच्छा इसने इतनी बी शीट ले ली है ना, ये आज इतनी सच के आई थी, वो दो चार मतलब समझ गए ना, अपने कर्म करता है और निकल आता है। मेरे को टेंशन उस बात की है जो बच्चा पढ़ रहा है, एग्जाम में आप जाएंगे
ये मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूं, बार बार अभी चेत दे रहा हूं आपको कि आप जग जाइए, एग्जाम में आप जाएंगे, ऐसा ना हो जाए आपके साथ कि 50 नंबर का पेपर अटेम्प्ट कर पाए, 50 का पेपर आप छोड़ना पड़ गया, क्यों आता था 3 घंटे खत्म हो गए, आपका वो सगा नहीं है, वो जैसे ही 3 घंटे खत्म हो गए टिप मार के पेपर छीन लेगा, चाहे आपने कुछ लिखा हो या ना लिखा हो। फिर वो नहीं कहिएगा बी शीट में अभी स्टेपल करना या धागा बांधना, वो सब जो पहले करके रखा जाता है, सारी चीजें पहले होती हैं, बाद में कुछ नहीं होता। स्पीड बढ़ा लो भैया, स्पीड बढ़ा लो, पेपर जिस समय आपके सामने आए उस समय सोचने का समय नहीं होगा, क्वेश्चन देखा और स्पीड बढ़ा लीजिए फटाफट। बात समझ में आ रही है? तो स्पीड कैसे बढ़ेगी? उस दिन नहीं बढ़ेगी, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अभी ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ दोस्त, अभी ये चैप्टर में एक टॉपिक और बचता है कि जब आप डिबेंचर खरीदेंगे और उसको कैंसिल नहीं करेंगे, इन्वेस्टमेंट के तौर पे खरीदेंगे। यहां पे भी हम लोग दो चीजें सीखेंगे कि अगर सिंकिंग फंड एग्जिस्ट नहीं करता तो क्या होगा, और सिंकिंग फंड एग्जिस्ट करता है तो क्या होगा, बट इसको नेक्स्ट टर्न पे सीखेंगे। पहले आज की क्लास का आप रिवाइज करके आइएगा, फिर इसको सीखेंगे और ये खत्म करेंगे। ठीक है, थैंक यू।